हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल डेस्टिनेशन। आज हम आपके लिए वेबकॉस लिमिटेड की तरफ से मल्टीपल जॉब पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं, तो पूरी जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बाकी जॉब से रिलेटेड सब जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और रेगुलर जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात करते हैं जॉब के बारे में। तो देखिए, वेबकॉस एक ऐसी PSU है जो कि ज़्यादातर वैकेंसीज प्रोजेक्ट्स के हिसाब से निकालती है, और यहाँ पे फिर से इन्होंने प्रोजेक्ट के हिसाब से ही वैकेंसी निकाली है, ठीक है, जो कि इनका वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, ठीक है, दैट इज़ मेगा PWS ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट एट बेरहापुर सर्कल, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नाम रहने वाला है। मल्टीपल जॉब पोस्टर्स सबके बारे में करके बात कर लेंगे। मिनिमम टू मैक्सिमम एक्सपीरियंस है, हम जो सबसे लोएस्ट एक्सपीरियंस है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और आते आते फिर मैक्सिमम एक्सपीरियंस की तरफ चलने वाले हैं। ऐसे तो बहुत सारी वैकेंसी है, मैसेंजर की है, डेटा ऑपरेटर की है, ऑफिस असिस्टेंट की है, अकाउंटेंट की है, वो सब आप लोग देख लीजिएगा। उसमें BTech सिविल नहीं मांगा गया है, जहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन सिविल मांगा गया है, उसी के बारे में आपसे बस बातें यहाँ पे शेयर करेंगे। पहली वैकेंसी है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, इलेक्ट्रिकल कम इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 6 हैं। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा, यहाँ पे अगर ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री अगर कर रखा है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो उस केस में अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर, अगर ग्रेजुएट है तो 3 साल का एक्सपीरियंस, पर अगर डिप्लोमा है तो मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सुपरवाइजरी का काम करना होगा WTP में, यानी कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इनटेक, वेल, ESR, इसके अलावा UGR जो अंडरग्राउंड रिजर्व होता है, उन सबके थोड़ा बहुत काम करना होगा, ठीक है। और इसी के अलावा जो टेस्ट होंगे वो सब यहाँ पे आपको देखने पड़ेंगे। एज लिमिट अप टू 65 ईयर्स, सैलरी 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में मिल जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी है सर्वे इंजीनियर, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 7 है। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या फिर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, अगर डिग्री है तो मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस और अगर डिप्लोमा है तो मिनिमम 6 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर्वे की जानकारी होनी चाहिए, टोटल स्टेशन, ऑटो लेवल, इसी के अलावा डिजिटल लेवल, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। लेवल लेना होगा ऑटो कैड में, प्लॉटिंग ये सब आनी चाहिए। वाटर सप्लाई और सीवेज प्रोजेक्ट्स, सीवेज जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें से किसी एक में काम किया होना चाहिए। बट अगर लेवलिंग आती है, ऑटो का चलाना आता है, अगर सर्वे स्ट्रांग है तो जा सकते हैं। सैलरी 25,000 से लेकर 30,000। नेक्स्ट पोस्ट है कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, यहाँ पे भी अगर आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएट है तो मिनिमम 10 ईयर मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस, बट अगर डिप्लोमा है तो मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी के अलावा सुपरवाइजरी, मॉनिटर, रिपोर्टिंग टू द कंस्ट्रक्शन एंड कमिशनिंग ऑफ द वर्क कैरिड आउट बाय द कॉन्ट्रैक्टर, रिव्यू द BOQ टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ वर्क एंड सेफ स्टैंडर्ड एट साइट एज पर द स्टैंडर्ड्स। तो बेसिकली साइट एग्जीक्यूशन का ही काम रहने वाला है। सैलरी अगेन 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में मिल जाएगी। एज लिमिट नॉट मोर देन 65 ईयर्स। नेक्स्ट है क्वांटिटी सर्वेयर 2 की पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो 7। ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन, अगर ग्रेजुएट है तो मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस, बट अगर डिप्लोमा है तो मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। क्वांटिटी सर्वेयर की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें 4 साल का आपके पास काम होना चाहिए, जहाँ पे क्वांटिटी निकालना, ठीक है, क्वालिटी, कॉस्ट कंट्रोल, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, सब की जानकारी होनी चाहिए। सैलरी 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी वाटर सप्लाई कम कैड इंजीनियर, ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अगर ग्रेजुएट है, ठीक है, यहाँ पे मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। कैड की जानकारी होनी चाहिए, इसी के अलावा आपको कंप्यूटर एडेड जो ऑटो कैड की को चलाना अच्छे से आना चाहिए। सैलरी 28,000 से लेकर 33,000 के बीच में रहने वाली है। मटेरियल इंजीनियरिंग, यहाँ पे ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग मांग लिया गया है, इसी के अलावा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ 8 ईयर्स इन वाटर सप्लाई, सीवेज या फिर 5 ईयर एक्सपीरियंस सिमिलर प्रोजेक्ट्स में रहना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट 65 ईयर्स, सैलरी 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में रहने वाली है। नेक्स्ट सीनियर कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग मांग लिया गया है, अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 7 ईयर्स इन वाटर सप्लाई, सीवेज प्रोजेक्ट्स अदर दैन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस एज कंस्ट्रक्शन इंजीनियर इन सिमिलर
कंस्ट्रक्शन वाटर सप्लाई सीवेज वर्क शुड हैड रिव्यू द कंस्ट्रक्शन एंड कमिश्निंग ऑफ वर्क कैरीड आउट बाय द कॉन्ट्रैक्टर रिव्यू द बीओक्यू टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ वर्क एंड सेफ स्टैंडर्ड एट द साइट एज पर द स्टैंडर्ड्स। तो ये सब कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है रहने वाली है। थोड़ी सी है मैनेजरियल लेवल पे पोस्ट आ जाएगी, ठीक है, सैलरी 33,000 से लेके 40,000 के बीच में। नेक्स्ट, रेजिडेंट इंजीनियर कम सीनियर वाटर सप्लाई इंजीनियर ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग मांग लिया गया है। मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस एज रेजिडेंट इंजीनियर, असिस्टेंट रेजिडेंट इंजीनियर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, ये सब मांग लिया गया है। सैलरी 40,000 से लेके 55,000 के बीच में रहने वाली है। हाइड्रोलिक एक्सपर्ट ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड। इसी के अलावा डिजाइन कंस्ट्रक्शन सुपरविजन ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एज लिमिट 65 ईयर्स, सैलरी 35,000 से लेके 40,000 के बीच में। नेक्स्ट, फिर इलेक्ट्रिकल कम इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, यहाँ पे भी सेम ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, सैलरी 28,000 से लेके 35,000 के बीच में। नेक्स्ट वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जिसमें से 5 ईयर एक्सपीरियंस इन डिजाइन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन सुपरविजन ऑफ RCC वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स अदर दैन एनी अदर RCC, WTP, ESR और GSR स्ट्रक्चर की जानकारी होनी चाहिए। सैलरी 36,000 से लेके 40,000 के बीच में। नेक्स्ट वैकेंसी है क्वांटिटी सर्वेयर की, अगेन ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ 7 ईयर्स इन हैंडलिंग वाटर सप्लाई सीवेज प्रोडक्ट्स, ठीक है। एज लिमिट 65 ईयर्स, सैलरी 33,000 से लेके 40,000 के बीच में। और जो हमारी आखिरी पोस्ट है टीम लीडर, ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग विद ग्रेजुएट डिग्री इन PH एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है तो प्रेफरेंस दी जाएगी। मिनिमम 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, उसमें से 10 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका हैंडलिंग वाटर सप्लाई में होना चाहिए। 3 ईयर एक्सपीरियंस एज टीम लीडर, रेसिडेंट इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सब होना चाहिए। सैलरी 50,000 से लेकर 65,000 के बीच में रहने वाली है। तो पोस्टें तो बहुत सारी हैं लेकिन सैलरी मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन जो लोग आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे जा सकते हैं। यूजुअली इतना एक्सपीरियंस जब मांगा जाता है और जब इतना डिटेल एक्सपीरियंस मांगा जाता है उसके हिसाब से सैलरी भी ज़्यादा बढ़ाई जाती है, लेकिन जो लोग चाहते हैं वो जा सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका सीधा इंटरव्यू रहने वाला है। पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगी, रेगुलर नहीं किया जाएगा। वेबकॉस हमेशा प्रोजेक्ट के हिसाब से ही हायर करती है। एक बार आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा आपको हटा दिया जाएगा, जब तक प्रोजेक्ट चलता रहेगा आपको एक्सटेंशन मिलता रहेगा। ट्रांसफर वेबकॉस कभी नहीं देती है, इस बात का आपको खास ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसी के अलावा थोड़ी बहुत इसकी और बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो पर्सनल इंटरव्यू जब होगा उसकी जानकारी आपको आपके मेल आईडी पे दे दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए इसका एक फॉर्म है वो आपको भरना है, एक CV है इसकी, मैं भी आपको दिखा दूंगा। इसमें अपने सारे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद जो इनका ऑफिस है वहाँ पे भेज देना है, एड्रेस टू द प्रोजेक्ट डायरेक्टर वेबकॉस्ट लिमिटेड। बाकी आप देख सकते हो रूरल पाइपिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट प्लानिंग ऑफ द मेगा इंटरव्यूज इन बहरामपुर सर्कल 2, नेम ऑफ द पोजीशन, और जो आप जिस पोजीशन के लिए लिख रहे हो आपको कितना एक्सपीरियंस है वो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस एड्रेस पे आपका बहुत जाना है, देख सकते हो प्लॉट नंबर इतना 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 उड़ीसा बुद्धेश्वर का एड्रेस दिया गया है। तो जो लोग चाहते हैं ज़रूर अप्लाई करें। बाकी इसकी सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को तो हमारी वीडियो को लाइक करें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।